एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ₹150 देगा। एक का 150 यानी कि दो का 300 ना। अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। ए कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का। ओ सेठ, मेड इन जापान। तो जापान के चोर बाजार में जाके बैठा। पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले। ये ले, खींच ले। Who's that? हम है बॉस। कब कब कमिंग कमिंग। बॉस, डील सक्सेसफुल हो गई। शाबाश, वेरी गुड। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता। बट वी एस्केप्ड। थैंक गॉड। बैग खोलो, खोलो। एक्सक्यूज मी बॉस। वल्ला। ये चड्डी, जांघिया, पैंट शर्ट, ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस, हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था। कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था। हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया। मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया। अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था। मनुभाई गांधी हियर। क्या अब समझा? हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस? ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है। अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा। इसका मतलब यह है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया। तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी। यस बॉस। देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। हा? तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे। गेट आउट बॉस, गेट आउट, आई सेड गेट आउट। वन कॉफी प्लीज। गेट आउट आई सेड। और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा एक एक को। गेट आउट आई सेड, गेट आउट। अरे एक तो मेरा बटवा चुराया, ऊपर से पेपर लीक किया, स्टूडेंट्स लोगों को 500-500 रुपए में बेचा, ये कह के कि 400 रुपया मेरा कट है? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम, नालायक, हलकट, मुझे गालियां भी नहीं आती। और ऊपर से कौन सी स्कीमें लेके आए थे मेरे पास? है? सर ये लाइटर खरीदिए, फ्लैट फ्री। सर ये टेलीफोन खरीदिए, रेफ्रिजरेटर फ्री। सर ये एसी लगवाइए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप चुप, नालायक, गेट आउट, गेट आउट। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो। शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे। मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूँ मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रोजी मैडम से कहा ना तुमने, मैं टकला हो गया हूँ। हाँ मैं टकला हो गया हूँ, मैं टकला हो गया हूँ। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? मैं टकला हो गया हूँ, टकला हो गया। एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री। इस पे नहीं, नाराज क्यों होते हो सर? तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। गेट आउट प्लीज, गेट आउट। हाँ हूँ, हो गया हूँ। तुम लोगों के साथ रहूंगा तो गधा भी हो जाऊंगा। अरे क्या है? कानून ने भी शादी के लिए कम से कम उम्र तय की है, ज्यादा से ज्यादा पर कोई बंधन नहीं है कानून में। जिस उम्र में दांत और बाल दोनों साथ छोड़ दें, उस उम्र में किसी का हाथ हाथों में होना चाहिए।
दुनिया के महान एक्टर चार्ली चैपलिन ने एक 17 साल की लड़की ओना से शादी की थी, तब उनकी उम्र थी 50 साल। मेरा जी जान से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप इस बुढ़ापे में अकेलेपन का शिकार मत बनिए। इसी शुभ मुहूर्त में जल्दी से लड़की खोजिए और जल्दी से शादी कीजिए। ए लोहा लोखन रद्दी, काय को इतना चिल्ला रहा है? ये सब मुझे जबानी याद है, ये मेरा राष्ट्रगीत है, समझे? वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे सुंदर, सुशील और टिकाऊ लड़की दिखाओ। आइए आइए, कम 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 आइए। नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, ये चलेगी? ये चलेगी? नहीं, इतनी कम उम्र की नहीं, खतरा है। खतरा? अरे हो सकता है सालों पहले मैंने इसकी माँ को देखा हो, अब बेटी को देखने जाऊं? ओके, ये चलेगी? नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। ओके ओके, दूसरी देखते हैं। ये? अरे नहीं यार, ये नो, ये नो, ये रुक 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 रुक, क्या बात है, ये अच्छा पीस है। ये कन्या कौन है? ये आर्ट्स कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाती है, 40 साल की कुंवारी लड़की है। आपको पसंद है तो ओके, दो दिन दो, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं, दो दिन बहुत लंबे होते हैं, तू अभी के अभी इसकी फोटो छाप, कॉपी निकाल, मैं आज ही जाके इससे मिलता हूँ। आप जब जब भी किसी से बात करते हैं ऑलवेज मुसीबत में फंसते मुझे बात करने। अरे अपनी काली जबान को लगाम दे, समझे? आज शहनाई बजेगी, शहनाई। चल फोटो छाप जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या 4,000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1,000 रुपए दिया, अब 4,000? 300% मुनाफा? हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया, चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया, कितना गंदा हो गया था ये, डाई किलिंग करवाया। भाई देख, 4,000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। कड़क है। 5,000? ऐसे इधर 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 ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया, उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5,000 देता है, हाँ? ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह जाने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन, हीरोइन समझा। ड्रग्स। ऐसे ठीक, बड़ी मस्ती करता तू। ए मेरे को देना ये सूट, देना। 4,000 में लेना है तो ले, हाँ नहीं तो फूट। हाँ ठीक है, पुलिस को बताऊंगा तब पता चलेगा। अभी जो ये आइटम देके गए ना वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा, ठहर। हरामखोर, ऐसे चलाओ ना। जीजा जी, मैं अंदर आऊं? नहीं। ओके। जीजा जी, एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे जीजा हो और मैं आपका साला। वो सब मुझे याद मत दिला। जी, कमिश्नर ने बोला आपसे मिलूं। ए, क्या है ये? रिश्वत। रिश्वत? कम है, अरे ये रख लीजिए। ए, किसने कहा मैं रिश्वत लेता हूँ? किसने कहा? मेरी बेइज्जती करने आया? जी, कमिश्नर ने बोला सिर्फ आप मेरे रोड का निरीक्षण कर दीजिए बस। ए, पुलिस को बोला, गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी के भी अंदर डालवा दूंगा। हेलो, लेकिन मेरी बात सुन, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रख फोन, बोल ना करना। क्या हंगामा हो रहा है ये? मैडम, मैडम ये हरकत बोला क्या आपने? इसे बोला ये रिश्वत देने के लिए? मैंने क्या बोला? ए झूठ बोलता है, सबने सुना है यहाँ पे, मैंने सबने सुना है। अभी के अभी पुलिस को बुला। ये आदमी तो मुसीबत है, मैं नहीं चाहती पुलिस यहाँ पर आए। अपने पैसे उठा और निकलो यहाँ से, दोबारा इसको अंदर मत आने देना, बोल दो सबको। लेकिन इसमें 100 रुपए कम है, वो आपकी जेब में। निकलो यहाँ से। कहाँ फेंका? नीचे। बराबर। ये रिश्वतखोर आपका रिश्तेदार है? किस्मत फूटी थी मैडम मेरी, मुझे नहीं पता था ये गंदगी उसी खानदान की है, नहीं तो मैं रिश्ता ही नहीं जोड़ता ना। कौन है भाई? जी मैं भिकी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा,
तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है। मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप पंधे हैं? आहूं, क्या कर लेगा बे? कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के। हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? अब टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? I can't see. I can see. I can वो see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ, दिख रही है। वो नहीं, ये। अच्छा ये। मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा अर्चना। लड़के अर्चना तय कर ले पहले। कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जो आ गए तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मैं कमेटी को पूछ के बताता हूँ। कमेटी नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए वरना। कौन है? बर्फ पड़ने वाली है। ओ, नमस्ते माँ जी। आप भी अंधी हैं। मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना। मैं निकलता हूँ। पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है, मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। वहां? अबे कार्ड तो देखे जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। मारते आप लोग। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूं। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? यस साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। साला मुझसे पैसा लेकर कह रहा है मुझे कभी नहीं देखा है? ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। हाँ। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बता हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास मत कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। ए, मत कर।
और सच सच बता तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तान ही जानते उनके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जो चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलते थे, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता था। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, एम जी गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार वो मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा, हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी 7-स्टार होटल में 7-कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, there is a call for you. मनुभाई गांधी है। नहीं 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 शेरखान, मेरी बात तो चुप, एक 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 मौका और दो। क्योंकि अब की बार खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाएगा। ये चालू हो गया सुबह सुबह, कानों में रुई ठूसनी पड़ेगी, जैसे कृष्णा अभी उबाल के देगा। गले के लिए अच्छी कसरत कर रहा है बेचारा, करने दे उसको। लेकिन उसके लिए मन साफ होना चाहिए, तब जाके भगवान उसकी सुनेगा। वो समझता है उसके सबसे बड़े दुश्मन उसी के घर में है, उसका बड़ा भाई और तुम दोनों जीजाजी। गायत्री दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तो अभी तक ये घर बेच नहीं दिया होता क्या? कल उस कॉन्ट्रैक्टर जैन ने इस घर का जो भाव बताया ना त्रिगुण, तू सुनता तो बेहोश होकर गिर जाता। क्या फायदा ये सब सुन के, आप ये घर बेच सकते हैं क्या? वो सबको समझना चाहिए ना, तुम दोनों बहनों के जो दादा परदादा थे वो 3 पीढ़ी पहले राजा महाराजा थे, अभी तो सबके इसके भी वांदे हैं। एक काम करो, ये पैलेस को गले में चिपका के उसके साथ भजन गाते बैठो। आप समझदार हैं, उसे समझाते क्यों नहीं? इससे भी और अच्छे अच्छे काम है मेरे पास करने के लिए, इसको समझाऊं उससे अच्छा है किसी भैंस के कान में मैं भगवत गीता गाऊं। ये मेरे साले की वजह से म्यूनिसिपालिटी की ऑफिस में मैं सर उठा के नहीं चल सकता हूँ। जितने भी काम किए हैं इसने सबको पता है, चोरी चपाटी के काम किए, और ये चाहता है मैं निरीक्षण करके सबको बता दूं कि सब अच्छा है। ये इसके बुरे काम की वजह से म्यूनिसिपालिटी इसे बिल देने को तैयार नहीं है, है? और इसने, मेरे साले ने ऊपर से म्यूनिसिपालिटी के ऊपर केस ठोक दिया है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। अब तो बर्दाश्त के बाहर है। क्या? कल रात को तुम्हारे बाबूजी को सोते सोते 2 बज गए थे। अरे तो उनको बोलिए ना टाइम से सोने के लिए। हाँ, पर रात भर तुम लोग महफिल सजा के बैठोगे तो कैसे सोएंगे वो? तुम लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि ये कोई शराब का अड्डा नहीं है। अरे माँ तुम भी देखो, गवर्नमेंट, इंजीनियर्स और नेताओं के साथ अगर तुम लोग मेल मिलाप करना चाहते हो तो होटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों? आखिर इस घर की भी कोई मान मर्यादा है, इज्जत है? स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, बच्चों को हॉस्टल से ले आना। वो ठीक है। ए सुनो, वो नए आईवे के कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मैंने सिग्नेचर कर दिए, चेक मिले? नहीं। अरे वो तो मैंने कल ही कलेक्ट कर लिए थे, और उसका कमीशन भी जिस को देना था दे दिया। वो चीफ इंजीनियर 1,00,000 रुपया ज्यादा मांग रहा था। अरे क्यों भाई, हमने सबकी रकम तय की थी ना। पता नहीं उसकी माँ की। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार ना मांगा हो? ए उधर चंद, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपये उधार मांगे इसने, बोलो। वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है, मुझे तो 1,000 रुपये देखे हुए अरसा बीत गया। तो खानदान का नाम खराब करने के लिए पैदा हुआ है तू? आप लोगों ने खानदान का नाम रोशन कर लिया ना, बस। एक बात जरूर बोलूंगा, मैंने किसी से भी पैसे मांगे हो, छगन मगन लगन, पर उसके लिए आप में से किसी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हारा खुद का कोई नाम पता है क्या? हाँ है ना, नाम सचिन टिचकुले, पता मधुर जी मनोर राजवाड़ा, राम मंदिर, पवार गली नंबर 4, तालुका पलटन, जिला सतारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 415523। अभी सुबह सुबह तुम लोग मेरा नाम दिमाग खराब मत करो। माँ माँ। हाँ? उबले हुए अंडे दो, मुझे 2 चाहिए। लाती हूँ। ओ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो?
हाँ सर बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट? जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहे हो नालायक, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने, है? सुबह से 500 एसएमएस आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है 500 एसएमएस आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप, शट अप! वो मुझे एसएमएस इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम्हीं लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर 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 आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च? ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूं सर। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये अश्लील फोटो? नहीं 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 सर, सर वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ। इसमें और कुछ नहीं है सर? दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। सर सर नहीं नहीं सर। हे चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ ही है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? है? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। 10? 10 साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो? सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना। छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे, पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप सर सर ये बोल रहा है, ए हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट! नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट! नहीं, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट! देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट! थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू।